वेलकम टू माई चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज की जो मेरी वीडियो है वो मेरी है जी टीचिंग प्रैक्टिस के मुतलक। बीएड के स्टूडेंट्स जो होते हैं लास्ट सेमेस्टर में उनको टीचिंग प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और उनका जो टीचिंग प्रैक्टिस का जो क्रेडिट आवर्स होते हैं वो 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं। और ये जो टीचिंग प्रैक्टिस है यानी कि TPTG 620 ये तो आप स्टूडेंट्स के लिए मस्ट है, मतलब ये किसके लिए किसी की भी चॉइस नहीं है, इसके बगैर आप लोगों को जो है डिग्री नहीं मिल सकती। तो विजुअल यूनिवर्सिटी में इस तरह होता है कि आप लोग बेशक काफ़ी अर्से से टीचिंग कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद आप लोग ये क्लेम नहीं कर सकते कि मैं टीचर हूँ ऑलरेडी और मैंने टीचिंग प्रैक्टिस नहीं करनी। आप लोगों को टीचिंग प्रैक्टिस फिर भी करनी पड़ेगी। तो अब कोविड है, इस वजह से जो है आप लोगों का टीचिंग प्रैक्टिस का जो कोर्स है ये ऑनलाइन ही होता है, यानी कि आप लोगों को डेली जूम के जो है सेशन अटेंड करने पड़ते हैं और उसमें आप लोगों को जो है पार्टिसिपेट करना पड़ता है, आप लोगों को अपने लेक्चर देने पड़ते हैं। तो आप लोगों को फिर आपका उस तरह ये कोर्स है वो रन होता है। तो मैं आप लोगों को आज की वीडियो में कंप्लीट बताऊंगी कि आप लोगों की टीचिंग प्रैक्टिस का जो पूरा कोर्स में आप लोगों का किस तरह से आप लोग काम करेंगे। तो टीचिंग प्रैक्टिस है जो आप लोगों की ऑनलाइन होती है, आप लोगों को जो है इसके लिए 30 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं, ठीक है। इसकी इसकी भी असाइनमेंट्स आती हैं जैसे कि बाकी कोर्सेज की असाइनमेंट्स आती हैं, और इसकी जो है टोटल नंबर ऑफ असाइनमेंट्स 8 होती हैं जिसमें आप लोगों को जो है 30 लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। 30 लेसन प्लान जिस तरह कि आप लोग पहले 15 जमा करवाते हैं, उसके बाद फिर आप 15 जमा करवाते हैं, और जो आप लोगों को लेसन प्लान होते हैं उसको भी आप लोगों ने MS Word में टाइप करके सबमिट करना होता है। आप लोगों ने जो है जैसे कि दूसरी यूनिवर्सिटी में होता है इलामा इकबाल वगैरह में, तो आप लोगों को उसमें आप लोगों को राइट करके सबमिट करवाने पड़ते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को लेसन प्लान भी MS Word पे अपलोड बना के और आप लोगों को सबमिट करवाने पड़ते हैं, और एक पूरा आप लोगों को मैनुअल मिलता है, उस मैनुअल के आपको उसको आपने फॉलो करके आपने अपने लेसन प्लान बनाने पड़ते हैं। उसके बाद जो है आपको आपके डेली जो गूगल मीट के जो सेशन होते हैं कुछ हद तक होते हैं, और उस सेशन 2 घंटे का रोजाना का सेशन होता है, और उस सेशन के अंदर आप लोगों को टीचिंग प्रैक्टिस करवाई जाती है, आप लोगों को बिल्कुल सही तरीके से सिखाया जाता है। जो आप लोगों का उस सेशन में जो पूरा माहौल होता है वो बिल्कुल टीचर जितना आम क्लासरूम का माहौल होता है वैसे ही आप लोगों का माहौल बनाया जाता है, और आप लोगों को सिखाया जाता है कि आप लोगों ने टीचिंग कैसे करनी है। तो आप लोगों को काफ़ी सारा सीखने को मिलता है। मैं तो ये रिकमेंड करूँगी कि आप लोगों को जब सेशन स्टार्ट हो तो आप लोग जो है ये लाजमी अटेंड करें, और आप लोगों को जो है डेली जो अटेंडेंस के मार्क्स मिलते हैं आप लोग डेली अटेंड करोगे तो आप लोगों को उस अटेंडेंस के भी मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद फिर जो है 10 मार्क्स होते हैं, 5 फर्स्ट असाइनमेंट में पास मिलते हैं आप लोगों को अटेंडेंस की, और 5 आप लोगों को नेक्स्ट जो अटेंडेंस वाली असाइनमेंट होती है उसमें मार्क्स मिलते हैं। उसके बाद जो है डेली इस तरह होता है कि 4 या 5 स्टूडेंट्स होते हैं वो प्रेजेंटेशन देते हैं, यानी कि उनके जितने भी उन्होंने लेसन प्लान किए होते हैं उनमें से उनको कहा जाता है कि आप लोग एक लेसन की प्रेजेंटेशन तैयार करें। जैसे कि मैं आप लोगों को ये वीडियो बना रही हूँ तो मैंने ये प्रेजेंटेशन बनाई है, इसी तरह आप लोग अपनी एक लेसन की प्रेजेंटेशन बनाते हो, और आप लोगों के जो दूसरे फेलो स्टूडेंट्स होते हैं आप लोगों को आप खुद एज अ टीचर डील करते हो उनके साथ, और वो आप लोगों के साथ एज अ स्टूडेंट आप लोगों के साथ जो है बिहेव करते हैं, और आप लोगों को जो है आप लोगों से क्वेश्चनिंग करते हैं, और आप लोगों की जो है सुपरवाइजर क्लास में एक्टिव होते हैं और वो आप लोगों की स्किल चेक करते हैं कि आप लोगों से स्टूडेंट्स जब जैसे ही क्वेश्चन करेंगे तो आप लोग किस तरह उनसे रिएक्ट करोगे, आप लोगों की कम्युनिकेशन कैसी है, आप लोग उनको कैसे क्लास को लेकर चलते हो साथ। तो ये सारी चीज़ें आपके सुपरवाइजर देखते हैं, उससे अकॉर्डिंगली जो है आप लोगों को वो प्रेजेंटेशन के मार्क्स देते हैं। तो उन क्वेश्चन से घबराते नहीं होते, उनकी उन्होंने बेसिकली आप लोगों का जो है नॉलेज चेक नहीं करना बल्कि उन्होंने आप लोगों की वर्बल स्किल चेक करनी है और आप लोगों का जो क्लास में बिहेवियर चेक करना है। तो क्वेश्चनर में बिल्कुल आप लोगों के फेलो स्टूडेंट्स होते हैं वो नॉर्मल से क्वेश्चन करते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन भी इतना मसला नहीं होता, ठीक है। और जो हर प्रेजेंटर होता है यानी कि जो प्रेजेंटेशन दे रहा होता है उसका एक पीयर ऑब्जर्वर होता है, ठीक है। वो पीयर ऑब्जर्वर ऐसा होता है कि वो उसके तमाम तक जो है जो भी वो बातें कर रहा होता है उसको ऑब्जर्व कर रहा होता है, और उसके बाद फिर वो ऑब्जर्व करने के बाद उससे क्वेश्चन प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद वो उससे क्वेश्चनिंग करता है, और उसकी जो है वर्बल कम्युनिकेशन वो एक फॉर्म होता है पूरा हमें पीयर ऑब्जर्वर का जो मिलता है उसके अंदर जो है उस अपनी जो है सारी इन्फॉर्मेशन को लिखता है। इस तरह का पीयर ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन का फॉर्म होता है और उसके अंदर वो सारी लिखता है कि इसकी क्लासरूम मैनेजमेंट कैसी है, इसकी स्किल्स कैसी हैं, क्या क्या क्लासरूम में करता है, तो इस फॉर्म को फिल करके वो सबमिट करवाता है। तो ये उसका एंड पे काम होता है, ये आपके एंड पे काम नहीं होता है, लेकिन आप लोगों को एक पीयर ऑब्जर्वर मिलता है, ठीक है। और उसके बाद ये है कि आप लोगों के जो क्लास में बाकी क्लास फेलोज होते हैं उनके जो पार्टिसिपेशन के जो है मार्क्स होते हैं गूगल जो है मीट पे आप लोग जाना पार्टिसिपेट करते हो, ठीक है। उसके बाद आप लोगों की जो टीचिंग प्रैक्टिस के अंदर असाइनमेंट्स होती हैं नंबर ऑफ असाइनमेंट्स आप लोगों की 8 होती हैं। तो जो फर्स्ट आप लोगों की असाइनमेंट होती है उसमें आप लोगों ने जो है सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट बताने होते हैं कि ये मेरे 3 सब्जेक्ट हैं, और इसके अंदर आप लोगों ने उस 3 सब्जेक्ट के मतलब कि आप लोगों ने लेसन प्लान्स बना देने होते हैं।
सबसे पहले मैं आप लोगों ने जो है हर अपने एक सब्जेक्ट का एक जो है लेसन प्लान करके सबमिट करवाना होता है, और उस लेसन का वो प्लान को सर देखते हैं और वो फिर आप लोगों का वो कहते हैं कि आप इसमें आप लोगों की ये गलतियाँ और आप लोग उस गलती को दुरुस्त करते हो। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट आप लोगों की जो है लेसन प्लान में आप लोगों को वो गलतियाँ आप नहीं करते। उसके बाद जो नेक्स्ट दो असाइनमेंट्स होती हैं वो जो है ना कंजेक्टिव नहीं होती, बल्कि वो जो है बाद में आती हैं दो असाइनमेंट्स के, उनमें दरमियान में गैप होता है, तो 15-15 जो है लेसन प्लान के दो असाइनमेंट्स होती हैं। उसके बाद आप लोगों ने दो दफ़ा जो होती हैं प्रेजेंटेशन देनी होती है, एक दफ़ा आप लोग पहले प्रेजेंटेशन देते हो अपने पहले 15 लेसन प्लान में से, ठीक है, उसके 20 मार्क्स होते हैं, उसमें जो है 10 प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं, 10 आपके जो है 5 आपके अटेंडेंस के और 5 आपके पार्टिसिपेशन के। उसके बाद फिर आप लोगों की जो है दूसरी प्रेजेंटेशन होती है, उसके भी आप लोगों के 20 मार्क्स होते हैं, और वो आप लोगों ने दूसरी जो प्रेजेंटेशन होती है वो आप लोगों ने अपने जो 16 से लेकर 30 तक जो अपने लेसन प्लान होते हैं उसमें से आप लोगों ने देने होते हैं। उसके बाद फिर आप लोगों ने दो दफा पीर ऑब्जर्विंग करनी होती है, फर्स्ट टाइम आप लोगों ने प्रेजेंटेशन में पीर ऑब्जर्विंग करनी होती है, फिर सेकंड टाइम आप लोगों को बताया जाता है कि आप लोगों ने आज इसकी पीर ऑब्जर्वेशन करनी है, तो आप लोग उसकी जो है पीर ऑब्जर्वेशन करते हो। उसके बाद जो है नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आप लोगों ने यह करना है, आप लोगों ने अपने जो है TPTG का कोर्स होता है उसकी आप लोगों ने अनाउंसमेंट चेक करनी है, और उसमें आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों का कौन सा जो है सुपरवाइजर है, तो आप लोग अपने सुपरवाइजर को कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद फिर कोई आप लोगों को मसला है तो आप लोगों को मुकम्मल गाइडलाइन भी देते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ऐसा करना है कि अपने जो है टीचिंग प्रैक्टिस के जो डाउनलोड सेक्शन में आप लोगों ने चला जाना है, और आप लोगों ने वहाँ से अपनी जो प्रेजेंटेशन का जो है स्केड्यूल आप लोगों ने डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोगों का ये अगर LMS है तो आप लोगों ने अपने LMS के टीचिंग प्रैक्टिस वाले इस जगह पर क्लिक करना है, और फिर आप लोगों ने यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में चले जाना है। डाउनलोड सेक्शन में जाने के बाद आप लोगों ने यहाँ से देखना है कि आप लोगों का जो भी आप लोगों का जो सुपरवाइजर है, आप लोगों ने उस सुपरवाइजर के यहाँ से अपना स्केड्यूल डाउनलोड कर लेना है। स्केड्यूल डाउनलोड करने के बाद आप लोगों को ये एक्सेल फाइल मिलेगी, एक्सेल फाइल में आप लोगों ने यहाँ से अपने स्टूडेंट्स नेम को देखना है कि आपका आपका फॉर एग्जाम्पल आप इस पर बतूल है, तो आप लोगों की ये फर्स्ट प्रेजेंटेशन जो है वो 7/7/2021 को है, ठीक है। और आप लोगों का पीयर ऑब्जर्वर क्या है कि मोहम्मद अवैस, ठीक है, ये इस बंदे ने प्रेजेंटेशन देनी है और इसका ये पीयर ऑब्जर्वर है। उसके बाद अगर आप लोगों ने यहाँ से अपना नाम देखना है, और आप लोगों ने उस दिन लाजमी जो है होना है, एक्टिव होना है। और उसके बाद फिर ये है कि अगर आप लोग उस दिन बिजी हैं तो आप लोग अपने सुपरवाइजर को मेल करके कह दें कि आज मैं बिजी हूँ तो आज मैं प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता, तो वो आप लोगों की जो प्रेजेंटेशन है वो आगे पीछे भी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने ये कोशिश करनी है कि अपनी प्रेजेंटेशन जो है वक्त से पहले तैयार कर रखें। उसके बाद फिर ये होगा कि नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारी असाइनमेंट नंबर 1 है। असाइनमेंट नंबर 1 में आपका सब्जेक्ट सिलेक्शन फॉर्म दिया जाता है, और आप लोगों को इस तरह का फॉर्म मिलेगा, आप लोगों ने उस फॉर्म में जो है अपना स्टूडेंट नेम लिखना है, स्टूडेंट आईडी अपना आईडी लिखना है, अपने डिग्री प्रोग्राम लिखना है, और आप लोगों ने यहाँ पे क्लास और यहाँ अपना सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और आप लोगों ने ये फॉर्म फिल करके आप बेशक इसी फॉर्म में सबमिट करवा दें, या बेशक आप लोग जो है इसकी प्रिंट लगवा के इसको फिल करके दोबारा उसको MS Word में करके तो आप लोग जो है सबमिट करवा दें, तो वो आप लोगों की अपनी चॉइस है। उसके बाद आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों ने 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, आप सिर्फ जो है ना 8 क्लास से अगर चूज करना चाहते हैं तो सिर्फ आप एक सब्जेक्ट 8 क्लास से चूज कर सकते हो, और उसके बाद आप 9th से लेकर सेकंड ईयर तक आप लोगों ने जो है एक एक सब्जेक्ट चूज करना है। 9th में से आप 9th का फॉर एग्जाम्पल आप कंप्यूटर ले लेते हो, तो आप लोगों 10th का फिर आप लोग जो है आप लोग साइंस ले लेते हो, फिजिक्स ले लेते हो, तो आप लोगों ने इस तरह करना है। आप लोगों ने एक ही सब्जेक्ट नहीं चूज करना है, मैंने किया था तो मेरा सारे चार से गा दिया था, मैंने 8th की साइंस की थी, 9th का भी कंप्यूटर का लिया था और 10th का भी कंप्यूटर का लिया था, सर ने कहा था कि आप लोग डिफरेंट चूज करो, तो फिर मैंने दोबारा ईमेल करके अपना जो है अपना फॉर्म जो है अप्रूव करवाया था। अपनी मर्जी से नहीं कर सकते आप लोग, अगर इतना प्रॉब्लम आ जाए तो आप लोगों ने ईमेल से अप्रूव करवा के फिर अपना जो है करना है काम। उसके बाद फिर असाइनमेंट नंबर 2 आती है, असाइनमेंट नंबर 2 में आप लोगों ने सैंपल लेसन प्लान बनाकर देने होते हैं, 3 लेसन प्लान सैंपल के होते हैं, और आप लोगों ने उस सैंपल में आप लोगों को बताया एक किस्म का आप लोगों को प्रैक्टिस करवाया जाता है कि आप लोगों के लेसन प्लान किस तरह होना चाहिए। आप लोगों को सैंपल दिया जाता है, आप लोगों ने इस सैंपल के जरिए यानी लेसन प्लान बनाने हैं, आप लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है, अपने ग्रेड लेवल टेक्स्ट बुक कौन सी यूज करनी है, आप लोगों ने टॉपिक कौन सब टॉपिक कौन सा है, टाइम ड्यूरेशन, फिर जनरल ऑब्जेक्टिव आप लोगों की कौन सी है, जो आप लोग अपने हर लेसन के आप लोगों ने जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं, आप लोगों ने अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखने हैं। उसके बाद आप लोगों ने कौन से जो है रिसोर्सेज या मटेरियल यूज किए हैं, यानी कि आप लोग व्हाइट बोर्ड यूज कर रहे हो, आप लोग टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हो, आप लोग चार्ट वगैरह यूज कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप लोगों ने बतानी होती है। फिर आप लोगों ने प्रोसीजर बताना होता है कि कैसे आप लोगों ने इंट्रोडक्शन दिया, फिर आप लोगों ने कौन सा टीचिंग प्रैक्टिस प्रोसीजर यूज किया, आपने लेक्चर मेथड यूज किया, एक्टिविटी मेथड यूज किया, आप लोगों ने स्टूडेंट को कैसे पार्टिसिपेट किया क्लास में, फॉर्मेटिव चेक कैसे किया आपने, क्लोजर समराइजिंग आप लोगों ने कैसे की। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने उसी लेसन में से होमवर्क देना है, बच्चों को असाइनमेंट देनी है, और उसके बाद एंड पे आप लोगों ने असेसमेंट कैसे की, तो आप लोगों ने पूरा इसी फॉर्मेट के मतलब अपने अपना लेसन प्लान बनाना है। तो असाइनमेंट नंबर 2 में आप लोगों ने 3 लेसन प्लान देने होते हैं अपने हर सब्जेक्ट में से एक एक, यानी कि आप लोगों ने अगर 8th की साइंस, 9th का कंप्यूटर और 10th की फिजिक्स सेलेक्ट किया है, तो इन तीनों का आप लोगों ने एक ही जो है लेसन प्लान बना के सबमिट करवाना होता है।
उसके बाद फिर असाइनमेंट नंबर 3 में जो है आपका, आप लोगों ने 50 लेसन प्लान बनाने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने 8 की साइंस सेलेक्ट किया तो 5 लेसन प्लान उसके होंगे, 5 नाइन्थ वाले सब्जेक्ट के होंगे, 5 आपके मैट्रिक वाले यानी कि टेंथ वाले सब्जेक्ट के लेसन प्लान होंगे। असाइनमेंट नंबर 3 में ये होगा। असाइनमेंट नंबर 4 में आप लोगों ने एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होती है, यानी कि आप लोगों को जो पहले 15 लेसन प्लान होते हैं आप लोगों ने उसमें से एक लेसन को ले लेना जो आप लोगों को सबसे अच्छे तरीके से आता है, उसकी आप लोग इसी तरह प्रेजेंटेशन बनाओगे, ठीक है, और वो आप लोग सबमिट करवाओगे। उसके बाद फिर आप लोगों ने उसी प्रेजेंटेशन को सबमिट भी करवाना है, उसी प्रेजेंटेशन को आपने अपने गूगल मीट पे आप लोगों ने प्रेजेंट भी करना होता है। तो उसके बाद जो है लेसन नंबर 4 में आप लोगों की पार्टिसिपेशन और क्लास अटेंडेंस के मार्क्स भी सुपरवाइजर असाइनमेंट नंबर 4 में ही देता है, ठीक है। असाइनमेंट नंबर 5 में आप लोग पीयर ऑब्जर्वेशन फॉर्म फिल करते हो, और पीयर ऑब्जर्वेशन आप लोग उस स्टूडेंट को करते हो जिसका आप लोगों का इस फाइल में नाम लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नाम मोहम्मद फहीम ताहिर है तो आप लोग जो है 7/8/2021 को आप लोग प्रेजेंट रहेंगे आप क्लास में, और आप लोग क्लास के दौरान आप लोग पीयर ऑब्जर्वेशन फॉर्म फिल करोगे, और आप लोगों ने बिल्कुल जो है ऑनेस्टली आप लोगों ने फॉर्म फिल करना है, क्योंकि सुपरवाइजर अपनी ऑब्जर्वेशन के साथ और जो है आपकी ऑब्जर्वेशन के साथ मैच करता है, और अगर आपकी जो है ऑनेस्ट नहीं निकलती तो फिर वो आपको उसकी कम मार्क्स देता है। तो ये ऑब्जर्वेशन आपके मार्क्स होते हैं, जिसके आप ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं उसके मार्क्स नहीं होते। असाइनमेंट नंबर 6 से चलती है फिर, उसके भी आप लोगों को 15 लेसन प्लान बनाने होते हैं, और आप लोगों में लेसन प्लान जो आप लोगों ने पहले 15 लेसन यूज़ किए हैं अपने लोगों ने उसके लेसन प्लान उन टॉपिक्स को दोबारा चूज़ नहीं करना, ठीक है, फिर उसके आपको मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो असाइनमेंट नंबर 7 में फिर आप लोग दोबारा प्रेजेंटेशन बनाओगे अपने, जो आप लोगों के 16-30 लेसन प्लान होते हैं आप लोग उसकी जो है प्रेजेंटेशन बनाओगे, और फिर आप लोगों की उसी बाद वाले जो सेशन होता है, 2 सेशन होते हैं हमारे, तो उसकी पार्टिसिपेशन और उसकी अटेंडेंस के आप लोगों को मार्क्स मिलते हैं। और असाइनमेंट नंबर 8 में जो आप लोगों की दूसरी जो मतलब सेशन होता है उसके अंदर आपके जो है असाइनमेंट के आपको पीयर ऑब्जर्वेशन के आपको असाइनमेंट के मार्क्स मिलते हैं। तो ये आप लोगों की पीयर ऑब्जर्वेशन, आप लोगों की पूरी जो TPTG का जो है तरीकाकार होता है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को नहीं समझ आई तो आप लोग कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करूंगी। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो, और ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का पता लग जाए, क्योंकि मैं इस तरह की हेल्पिंग जो है वीडियोज बनाती रहती हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और दुआ में याद रखिएगा, एंड खुदा हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।